this course code is MS361 probability and statistics. Credit are 3+0 means no lab theory. 3+0 means theory plus no lab. 100 marks हैं लैब के कोई मार्क्स नहीं. कोर्स आउटलाइन जो है वो आपके पास हैगी. इसको मैं गूगल क्लासरूम पे लगा दूंगा, आप लोग वहां से इसको पिक कर सकते हो. तो कोर्स आउटलाइन आपके पास है. स्टैटिस्टिक्स एंड डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आपके पास है. टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स पॉपुलेशन सैंपल रैंडम नॉन रैंडम इन सैंपल कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक टर्म्स एलिमेंट्स वेरिएबल डाटा सेट क्वांटिटेटिव वेरिएबल क्वालिटेटिव वेरिएबल रॉ डाटा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स डाटा रिप्रेजेंटेशन. अच्छा डाटा रिप्रेजेंटेशन इसमें हम बेसिकली जो फर्स्ट पोर्शन अगर आप इसको नोट करें स्टैटिस्टिक्स और उसकी टाइप्स के ऊपर बात करेंगे. कुछ बेसिक टर्मनोलॉजीज हैं जिसपे हम डिस्कशन करेंगे जिसमें आपके पास पॉपुलेशन रैंडम सैम्पलिंग नॉन रैंडम सैम्पलिंग कॉन्सेप्ट हैं बेसिक टर्म्स एलिमेंट्स वेरिएबल डाटा सेट क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव वेरिएबल्स के ऊपर बात होगी. फिर डाटा रिप्रेजेंटेशन में हम लोग बात करेंगे जो आपके पास आ जाता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जिसमें हम बात करेंगे डाटा रिप्रेजेंटेशन में पाई चार्ट कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है पाई चार्ट की टर्म्स में बार चार्ट हिस्टोग्राम स्टैमेन लीफ सही है वो आपके पास आ जाएगा. नाउ प्लॉट फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ओगाइव एंड समनिंग नोटेशन. अच्छा ये सारी की सारी चीजें आपके पास डाटा रिप्रेजेंटेशन में आ जाएंगी और कुछ डाटा को बेसिकली सैम्पलिंग के ऊपर बात कर लेंगे. नेक्स्ट है हमारे पास डिस्क्रिप्टिव मेजर्स के अंदर हम बात करेंगे. पहले मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव मेजर पे हम लोग काम करेंगे फिर थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट्स आते रहेंगे और रिप्रेजेंटेशन आती रहेगी हम उसको करते रहेंगे. डिस्क्रिप्टिव न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्टिव मेजर्स के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आएगा सेंट्रल टेंडेंसी जिसके अंदर हम लोग मीन मीडियन मोड हमारे पास है अनग्रुप्ड एंड ग्रुप डाटा के ऊपर परसेंटाइल डिसाइल क्वार्टाइल मीन क्वार्टाइल डेविएशन आउटलायर्स जेड स्कोर बॉक्स प्लॉट वेरियंस स्टैंडर्ड डेविएशन. अच्छा स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरियंस ये आपके पास है सेंट्रल टेंडेंसी है मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन. दूसरा मेन टॉपिक बनेगा आपका मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन. दिस इज सेंट्रल टेंडेंसी एंड द नेक्स्ट मेन टॉपिक इज मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन जिसके अंदर वेरियंस स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है ग्रुप और अनग्रुप डाटा के स्क्यूनेस एंड कटॉसिस तक हम डिस्कशन करेंगे. ये हमारे पास बेसिकली स्टैटिस्टिक्स एंड डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का आपके पास कोर्स होगा. उसके बाद जब हम आएंगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर दैट इज प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग बात करेंगे. इंट्रोडक्शन होगा इसका पहले डेफिनेशन होगा एक्सपेरिमेंट सैम्पलिंग और सम बेसिक टर्मनोलॉजीज पे बात करेंगे जो रूल्स आएंगे एडिशनल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लीकेटिव रूल्स बेसिक लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी सही है. एंड फिर उसके बाद हम लोग प्रोबेबिलिटी स्पेशल टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे जिसके अंदर हमारे पास दो पोर्शन है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सही है याद रखिएगा डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये दो बेसिक टॉपिक हैं जो स्पेशल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमने पढ़ने हैं. उसके अंदर मीन कैसे निकलता है वेरियंस कैसे निकलता है दोनों के अंदर डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस के अंदर हम पढ़ेंगे और प्रॉपर्टीज ऑफ मीन्स के ऊपर बात करेंगे और फिर उसके बाद स्पेशल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सही है डिस्ट्रीब्यूशन परमुटेशन कॉम्बिनेशन अच्छा बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एक्जिस्टेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एंड हाइपर ज्योमेट्रिक और उसकी एप्लीकेशन के ऊपर. नाउ लेक्चर राइटिंग असाइनमेंट वेब रिसोर्सेज टीचिंग मेथडोलॉजी हमारे पास इस तरह से आएगी हम जो लेक्चर्स होंगे और राइटिंग असाइनमेंट्स होंगे लैब रिसोर्सेज होंगे असाइनमेंट थ्योरी क्विजेस असाइनमेंट मिड टर्म अर्ली टेस्ट ये जो मार्क्स के होंगे. अच्छा यहाँ पर अभी है कि ऑनलाइन क्लासेस के अंदर जो जो चीजें में चेंजेस होंगी असाइनमेंट कैसे सबमिट करना है क्या करना है वो आपको क्लासेस के अंदर हम डिस्कस करते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे. क्विजेस कैसे होंगे सही है एटलीस्ट 4 क्विजेस हैं जिसमें आपको बताते रहेंगे मेजर कौन सा है और क्विज माइनर कौन सा आएगा. मिड टर्म अर्ली टेस्ट जो होगा मेजर टेस्ट जो होगा वो भी हम आपको बता देंगे. फाइनल 60 मार्क्स का ये बिफोर पेंडेमिक हम लोगों ने जो बनाई हुई थी बेसिकली आपके पास आउटलाइन हुई है यकीनन इसमें कुछ चेंजेस होंगी इसको हम आपसे डिस्कस कर लेंगे इन क्लास. नाउ टेक्स्ट बुक जो अवेलेबल होती है यकीनन आपके पास अवेलेबल होगी टेक्स्ट बुक
जो लाइब्रेरी में एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एरविन एरविन क्रेजिक की बुक है, एडिशन 7 इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ये कि हमारे पास क्योंकि अभी मेरे पास जैसे इस वक्त बुक अवेलेबल होगी वो एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की है, अगर आप इसको देखेंगे एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बुक है और ये बेसिकली एडिशन 10 है जो ऑनलाइन मुझे मिला है। तो ये कि इसका पीडीएफ मैंने डाउनलोड कर दिया, अगर आप लोग कहेंगे इसका मैं पीडीएफ शेयर करा दूंगा, अगर एडिशन 7 मिल जाता है तो ज्यादा अच्छी बात है। इसमें चैप्टर नंबर 25 आएगा आपके पास, अगर एडिशन आपके पास चेंज होगा तो यकीनन उसमें फिर चैप्टर चेंज हो जाएगा, एडिशन 7 होगा तो उसमें चैप्टर यकीनन ये एडिशन वो है आपके पास मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स चैप्टर नंबर 5 थीसिस, सही है। तो ये हमारे पास चैप्टर आ जाएगा जिस पे हमें डिस्कशन करेंगे। एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आपने पहले भी पढ़ी थी। रिकमेंडेड अदर रिकमेंडेड बुक्स में आपके पास वॉलपूल बहुत फेमस बुक है, एडिशन 9 है, सही है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे और भी बुक्स हैं, आप लोग इसको भी फॉलो अप ले सकते हैं। एक पाकिस्तानी ऑथर की बुक है शाहिद जमाल की, उसको भी आप रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, एज अ रेफरेंस बुक उसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बेसिकली स्टैटिस्टिक्स के अंदर वो ज्यादा इस्तेमाल होती है और दूसरा पार्ट जो उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का है तो उसमें भी उसको थोड़ा बहुत कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन रेफरेंस एज अ रेफरेंस। नाउ CLO आपके पास है, एक्सप्लेन बेसिक प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट, दे आर यूज इन डिफरेंट प्रॉब्लम्स, सही है। और इंजीनियरिंग लर्निंग प्रॉब्लम्स PLO आपके पास है, C2 इसका टैक्सोनॉमी लेवल है, सही है। और कंपेयर दूसरा CLO है कंपेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल्स एंड दे आर यूज इन द साइंस एंड इंजीनियरिंग, सही है। एंड थर्ड CLO आपके पास है अप्लाई बेसिक स्टैटिस्टिक्स टेक्निकल स्टैटिकल टेक्निक सच एज रेग्रेशन कर्व फिटिंग टू इंजीनियरिंग डाटा, ये आपके पास हो जाएगा, कोर्स आउटलाइन अवेलेबल होगी। नाउ हम आते हैं टॉपिक के ऊपर, मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ग्राफिक्स टैबलेट, इसमें मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर भी करूंगा और जो लिखना होगा वो लिख के भी दिखा दूंगा। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास बेसिकली स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन, व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, इट इज बेसिकली डिफाइन एज द डिसिप्लिन दैट कंसर्न द कलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा, याद रखना कलेक्शन है किस ऑर्गेनाइजेशन कलेक्शन करना है, ऑर्गेनाइज करना है, एनालिसिस करना है, इंटरप्रिटेट करना है और प्रेजेंटेशन करनी है डाटा की, मतलब किसी भी डाटा आपके पास डिसिप्लिन है कलेक्शन करना है कोई भी डाटा है चीज का, उसको आपने फिर उसको ऑर्गेनाइज करना है, फिर उसकी एनालिसिस करनी है, इंटरप्रिटेशन करनी है और प्रेजेंटेशन करनी है। ये चार पांच पॉइंट्स हैं जिसमें स्टैटिस्टिक्स डिफाइन होती है। टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंदर जैसे हमारे पास है, अगर आप नोट करें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स इस काउंट नॉन सेंस, अच्छा स्टैटिस्टिक्स क्वांटिटेटिवली डिस्क्राइब और समराइज फीचर्स ऑफ द कलेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स मास नाउन सेंस इन द प्रोसेस ऑफ यूजिंग एनालिसिस दोस स्टैटिस्टिक्स, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स इज डिस्टिंग्विश फ्रॉम द, अच्छा इन्फेरेंटल और इंडक्टिव स्टैटिस्टिक्स जो है वो उससे डिफरेंट होती है, वो कैसे होती है, इसके अंदर आप लोग समराइज करते हो सैंपल रेदर देन यूजिंग द डाटा टू लर्न अबाउट द पॉपुलेशन दैट द सैंपल ऑफ द डाटा इज थ्रू द रिप्रेजेंट, सही है। इंडक्टिव के अंदर आप करोगे क्या, इंडक्टिव के अंदर डाटा एनालिसिस करोगे, डिस्क्रिप्टिव में आप डाटा एनालिसिस नहीं कर रहे हो, सही है, समरी कर रहे हो चीजों की, सम अप करके बात कर रहे हो, सही है, डाटा एनालिसिस करके आप समरी दे रहे हो, मतलब टू लर्न अबाउट द पॉपुलेशन सैंपल ऑफ द डाटा इज थॉट टू रिप्रेजेंट, सही है, पहले आप लर्न करते हो पॉपुलेशन के हवाले से और उसको रिप्रेजेंट करते हो, जबकि इसके अंदर क्या है इन्फेरेंटिलियल स्टैटिस्टिक्स और इंडक्टिव के अंदर आप बात करोगे बेसिकली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है जो आप अब करोगे और उसके बाद जो है वो हाइपोथेसिस है और बहुत सारी चीजें इसके अंदर आप डिस्क्रिप्टिव के अंदर बात करोगे। अच्छा एप्लीकेशंस भी हैं थोड़ी सी स्टैटिस्टिक्स अप्लाइड इन मैथमेटिक्स के ऊपर। अब न्यूमेरिकल मेजरमेंट्स के ऊपर मैं आता हूँ तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा, तो ये न्यूमेरिकल मेजरमेंट्स क्या क्या होती हैं और कैसे की जाती हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दूं, आप लोग बात कर रहे हैं
लेक्चर नंबर 1 प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। न्यूमेरिकल मेजर्स जो है वो आपके पास मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी में हम लोग बात करेंगे। टॉपिक पहला है मीन, इट इज ऑल्सो नोन एज एवरेज वैल्यू ऑफ द डेटा। सही है, मीन का मतलब है एवरेज वैल्यू ऑफ द डेटा। अगर मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर दे दूं, मीन मींस दैट के अरिथमेटिक मीन ऑल्सो कॉल्ड, इट इज कॉल्ड मीन, इज ऑल्सो नोन एज एवरेज। नाउ नेक्स्ट थिंग इट इज कॉल्ड मीडियन। मीडियन का मतलब होता है बेसिकली मिड पॉइंट ऑफ द डेटा, इट इज ऑल्सो नोन एज मिड पॉइंट ऑफ द डेटा। एंड द थर्ड थिंग इज कॉल्ड मोड। सही है, इसका मतलब होता है मोस्ट अपेयर वैल्यू इन द डेटा, मोस्ट अपेयर वैल्यू इन द डेटा। सही है, तो मोस्ट अपेयर वैल्यू मीन मीडियन मोड। अच्छा, दो टर्म्स और होती हैं सेंट्रल टेंडेंसी में, लेकिन मैं बस आपको नाम बता रहा हूँ, उसका डिस्कशन हमारे कोर्स आउटलाइन में नहीं है। दैट इज ज्योमेट्रिक मीन एंड फोर्थ वन इज हार्मोनिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन एक्चुअली दिस इज द मल्टीप्लीकेशन एंड हार्मोनिक मीन। जैसे आप लोगों ने डैम्प हार्मोनिक मोशंस पढ़ी होंगी, इट इज जस्ट लाइक डैम्पिंग फोर्सेस होती है, उसका कलेक्शन ऑफ डेटा। नाउ सेंट्रल टेंडेंसी में वी आर ओनली डीलिंग विद दी मीन थिंग एंड सही है मीन थिंग एंड मीडियन थिंग एंड द मोड थिंग। ये सब चीजें आप वैसे तीनों चीजें पढ़ चुके हो मैट्रिक क्लास के, शायद कोर मैथमेटिक्स की बुक में भी थी ये चीज। इसके लिए हम बात करेंगे बेसिकली अनग्रुप डाटा एंड ग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा एज वेल एज ग्रुप डाटा। सही है, अनग्रुप एंड ग्रुप डाटा दोनों डाटा हमारे पास होंगे। ग्रुप डाटा ये आपके पास होगी, सही है, ग्रुप डाटा। नाउ वी आर डीलिंग विद द मीन थिंग, मीन अरिथमेटिक मीन। आपके पास जो कैलकुलेट होगा वो कैसे कैलकुलेट होगा, लेट्स सी। अरिथमेटिक मीन या एवरेज सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ द डाटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंटरवेल कॉल्ड एवरेज, जनरली डिनोटेड बाय एक्स बार। सही है, आपके पास एक्स बार से इसको जनरली डिनोट किया जाता है। मतलब मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको कहूं, जैसे मेरे पास एक एग्जाम्पल है, फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ द डाटा, फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ द डाटा। जैसे डाटा है हमारे पास 36, 37, 38, 39 एंड 40, फाइव वैल्यूज है हमारे पास, और फाइव वैल्यूज का हमें डाटा कैलकुलेट करना है, तो हम करेंगे ये।
एवरेज वैल्यू ऐसे निकालेंगे कि आप इन सब का सम कर लो, 36 प्लस 37 प्लस 38 प्लस 39 प्लस 40 एंड डिवाइडेड बाय द होल टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास आ रही है 1, 2, 3, 4, 5 नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास आ रही है 5, तो हम इनको ऐड करेंगे और 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एवरेज वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे डाटा कम ले रहा हूँ, डाटा हो सकता है बहुत ज्यादा हो तो आप एवरेज वैल्यू लोगे, आप एवरेज वैल्यू लेके कर सकते हैं। अच्छा, मैंने बिल्ट इन सॉफ्टवेयर किए हुए थोड़ा सा इसमें, तो आप उसको भी डाउनलोड करना चाहो तो आप डाउनलोड कर लो, जैसे मैंने कैलकुलेटर किया हुआ, आप कैलकुलेटर आप लोगों के पास होगा। साइंटिफिक आप अगर इसका लिंक चाहते हो तो मैं आपको लिंक सेंड करवा दूंगा, उसको डाउनलोड कर लें। 570 ईएस है, कैसी हो क्लास विस भी कर सकते हो, आपके ऊपर है। तो ये मैंने यहाँ से डाटा कैलकुलेट किया है बेसिकली, और जो कैलकुलेट किया है वो ये वैल्यूज को, जैसे अब यहाँ से मैंने 36 प्लस 37, अगर आप चाहो स्टैटिस्टिक्स का टूल इस्तेमाल कर सकते हो इसके अंदर, 38 प्लस 39 प्लस 40 ना आंसर इज 190 डिवाइडेड बाय 5, 190 डिवाइडेड बाय 5 वी हैव 38 थिंग नाउ 38। अगर आप चाहो तो दूसरे इस पे जो है वो आप वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हो, मतलब आप चाहो तो स्टैटिस्टिक्स का ये ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन, इसमें आप अगर चाहो वेरिएंस और वगैरह वगैरह ऑप्शंस हैं सारे वो आप डिलीट कर सकते हो। आप यहाँ से डाटा एंट्री कर लो सारी और फिर शिफ्ट दबा के इसका समीशन और एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीजें आप इसको यूज कर सकते हो जो आपको यकीनन आती होंगी। नाउ हमारे पास जो आंसर आया था दैट इज 38 सही है, तो आपने एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कर ली दैट इज 38। आप इसको सॉल्व कर लो, मसला ही नहीं है, सही है। नाउ दिस इज अर्थमेटिक मीन सिंपल एवरेज वैल्यू, और इसी के अंदर अगर आप बात करते हैं, अगर देखें डेटा की, डेटा जितना बढ़ता रहेगा एवरेज वैल्यू जो होगी वो याद रखें, एनालिसिस जरूर करें। यह एवरेज वैल्यू जो रिप्रेजेंट कर रही है ना डेटा को, ये रिप्रेजेंट कर रही है कि भाई अगर हमारे पास जो 36 डेटा और 40 के दरमियान डेटा मौजूद है तो इसकी एवरेज वैल्यू जो आ रही है यकीनन इनके दरमियान में कहीं है। अब जरूरी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि मैंने फिगर्स जो है वो इक्वल इंटरवल पे लिखी है तो हमारे पास एवरेज वैल्यू आ रही है। डेटा बहुत आइडियल कंडीशन पर है, थ्योरेटिकल डेटा है, लेकिन रियल लाइफ डेटा जो होता है वो यकीनन एवरेज वैल्यू जो होती है वो थोड़ी सी डिफ्रेंशिएट कर रही होती है एवरेज वैल्यू, सही है। तो सेंट्रल टेंडेंसी जो है उस वक्त आइडियल कंडीशन पे है। नाउ अगर मैं वैल्यूज में कुछ इस तरह से बात करूं, जैसे मैं अगर आपसे कहता हूं कि आप मीडियन कैलकुलेट करना चाहते हैं, सही है, एग्जाम्पल अगर मैं कहूं, सही है, मीडियन कैलकुलेट करना है, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग मार्क्स ऑफ द फॉलोइंग मार्क्स, सही है, मार्क्स है उसको आपको आप मीडियन कैलकुलेट करना, मार्क्स है 37, 22, 40, सही है, आउट ऑफ 50 मार्क्स आ रहे हैं 37, 22, 40, 31 एंड 37, फर्ज कर लें 1, 2, 3, 4, 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स किया है, और फर्ज कर लें आपके पास आउट ऑफ 50 मार्क्स आ रहे हैं। फर्स्ट में अगर आप डाटा नोट करें तो कितने स्टूडेंट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, सेकंड में अगर आप नोट करें 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्टूडेंट्स हैं। तो जब कभी भी आप कैलकुलेट करते हो मीडियन, मीडियन का एक्चुअल मतलब होता है मिड पॉइंट ऑफ द डाटा, डाटा का मिड पॉइंट क्या होगा, सही है, मिड पॉइंट ऑफ द डाटा जब आप कैलकुलेट कर रहे होते हो,
ऑफ द डाटा, मिड पॉइंट ऑफ द डाटा जब आप कैलकुलेट कर रहे हो ना, तो इस चीज का ख्याल रखो कि दो नेचर हैं होंगी आपके पास, डाटा या तो गिवन होगा वो इवन नेचर पे होगा, जैसे यहां पर है ऑड नेचर है, ऑड डाटा है, नंबर ऑफ वैल्यूज या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके पास ऑड है, ऑड नंबर पे 1, 2, 3, 4, 5 स्टूडेंट्स है, और यहां पे अगर आप नोट करो 1, 2, 3, 4, 6 स्टूडेंट्स है, तो यहां पे डाटा जो है वो इवन पर है। अगर ऑड पर होगा तो यकीनन चेंजेस हैं, और इवन पर होगा तो यकीनन चेंजेस है। जैसे मैं एक सोल्यूशन के तौर पे आपको बताता हूं, आपके पास इफ एन नंबर ऑफ इंटरवल्स इज ऑड, अगर ये ऑड है, फर्ज कर लो ऑड है, तो अब आप करोगे क्या, सबसे पहला स्टेप होता है इसको आप अरेंज करोगे असेंडिंग से डिसेंडिंग, या असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, या आपके ऊपर है, किसी भी तरह से एक फॉर्मेट में अरेंज करोगे। सबसे पहले आप इसका स्टेप लिखते हो, वो होता है अरेंजिंग, सही है। तो आप अरेंजिंग करोगे, अरेंजिंग मैंने करी, जैसे 22 पहला है, फिर मेरे पास आता है 31, फिर मेरे पास 31 के बाद आता है डेटा के अंदर वो आ जाता है 37, 37 टू टाइम्स है, तो ऐसे डिस्ट लिख देता हूँ 37 37, एंड देन फाइनली 40। तो मैंने अरेंजिंग डाटा की कर ली। नेक्स्ट स्टेप ये होता है, आप ये करते हैं जो इसके लिए फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, और ये करते हैं एन प्लस 1/2 ऑफ टी ऑफ एच, सही है, एन बाय टू, 1 प्लस बाय 2, सही है, डिवाइड बाय 2 ऑफ टी ऑफ एच, दिस इज कॉल्ड मीडियन। कुछ बुक्स में मीडियन के ऊपर इस तरह से लगा दिया जाता है मीडियन कैलकुलेट करने के लिए। एंड एन बाय 1, एन कितना था नंबर ऑफ टर्म्स, हेयर एन नंबर ऑफ टर्म्स 1, 2, 3, 4, 5 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 5 है, 5 प्लस 1 6, 6 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 3 ऑफ आरडी थर्ड टर्म। एंड द थर्ड टर्म, थर्ड टर्म क्या है हमारे पास, अगर आप नोट 1, 2, 3 थर्ड टर्म इज 37, तो थर्ड टर्म 37 आ रही है, तो हमारे पास 37 इसका मीडियन है, मिड वैल्यू ऑफ द डाटा इज 37, सही है। इफ एन इज इवन, अगर एन इवन हो जाए, फर्ज करें जैसे हमारे पास अब कंडीशन आ रही है एन इवन हो जाएगा, अगर एन इवन हो जाएगा सबसे पहले वही कंडीशन है, एन इज इवन, अगर एन इवन है इन केस, तो आप सबसे पहले करोगे अरेंजिंग द डाटा, अरेंजिंग करोगे, सही है, वही आपकी मर्जी है, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हो, असेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हो, आपके ऊपर है। लेट सपोज 6 पहली टर्म है, सही है, 6 आपने लिखा, और उसके बाद 6 के बाद जो आएगा वो 22 आएगा, 6 लिख दिया आप 22 लिखेंगे, 22 में हमने देखा भाई 22 आ रहा है, और 22 के बाद आ रहा है फिर वो कौन सी टर्म आ रही है, वो आ रही है 32 के बाद हमने देखा भाई कौन सी टर्म आ रही है, वो आ रही है 37 एंड 41 एंड देन 50 हमारे पास आ गया। अब इसके लिए जो फार्मूला बनेगा, फार्मूला ये बनेगा आपके पास एन बाय 2 टी ऑफ एच प्लस एन प्लस 2/2 ऑफ टी ऑफ एच एंड होल थिंग डिवाइडेड बाय 2, सही है। तो हमारे पास जो मिडिल एन कितना था 6/2, मतलब एन इवन था, एन नंबर ऑफ टर्म्स 16, नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 66 डिवाइडेड बाय 2 इज थर्ड टर्म प्लस यकीनन एन प्लस 2 6 प्लस 2 इज 8 डिवाइडेड बाय 2 फोर्थ टर्म, एंड द फोर्थ टर्म हमारे पास क्या है 1 2, थर्ड टर्म हमारे पास क्या है भाई जल्दी से देखें, थर्ड टर्म 32, फोर्थ टर्म इज 37 प्लस 32 एंड हमारे पास आ रहा है 32 प्लस 37 एंड होल डिवाइडेड बाय 2 69 डिवाइडेड बाय 2 कर लें, हमारे पास आ जाएगा आपके पास ये आ जाएगा टर्म, और ये फाइनली 69 डिवाइडेड बाय 2 एंड वी हैव मीडियन, सही है, हमारे पास मीडियन ऑब्टेन्ड
हो जाएगा इस तरह से। The mod, how can we find the mod? Example, let's suppose find the mod of the following data. We have a values 36, 37, 36, 29, 40, 41. What is mod? Mod का मतलब होता है most appear value in the data, most appear value in the data. Data is called mod. Means आपके पास जो सबसे ज्यादा वैल्यू नजर आती है ना डेटा के अंदर उसको मोड कहते हैं। मगर अगर इसके लिए एक्चुअली कोई फॉर्मूला नहीं है, मैं आपको कहूँ इस तरह से, जैसे आपके पास सबसे ज्यादा अपीयर करने वाली वैल्यू जैसे 36 है, 36 है, सही है, तो यहाँ पर एक्चुअली जो मोड बन जाएगा ना आपके पास वो मोड बन जाएगा 36। तो हेयर मोड इज इक्वल्स टू 36। तो मोस्ट अपीयर वैल्यू इन द डेटा इज मोड एंड द मोड इज 36। रिमेंबर द पॉइंट, सही है। अगर मैं रिकॉल करूं सारी वैल्यूज को तो हमारे पास हमने क्या क्या एक्चुअली आज के लेक्चर में पढ़ा है। आज के लेक्चर में हमने सेंट्रल टेंडेंसी पे बात करी है। सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर हमने सबसे पहले जो बात करी थी वो अनग्रुप डाटा के ऊपर बात करी है। अनग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा में हमारे पास सबसे पहली जो टर्म हमने आज पढ़ी है वो है मीन, अर्थमेटिक मीन, आल्सो कॉल्ड अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन। एंड अर्थमेटिक मीन इज जनरली डिनोटेड बाय एक्स बार, एंड एक्स बार इज इक्वल्स टू व्हाट? समीशन ऑफ ऑल द एंटिटीज, सही है, ओवर एन। लेट सपोज एक्स आई एंड आई इज इक्वल्स टू 1 to n। तो एक्चुअली जो हमारे पास वैल्यू है सम ऑफ ऑल द वैल्यूज इन द डेटा इज कॉल्ड ओवर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंटरवेल्स, नंबर ऑफ इंटरवेल्स, सही है, इज कॉल्ड अर्थमेटिक मीन, इज कॉल्ड अर्थमेटिक मीन, सही है। तो अर्थमेटिक मीन क्या है आपके पास? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ इंटरवेल्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे, सही है, सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, सही है, इट इज कॉल्ड द अर्थमेटिक मीन। नाउ द नेक्स्ट पार्ट वी डिस्कस, दैट इज एक्चुअली दैट इज कॉल्ड अ median, that is called median, and median is actually known as median mid point of the data, सही है, the midpoint of the data. मिड पॉइंट ऑफ द डेटा में हमने बात करी कि भाई अरेंज किया जाएगा डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर, सही है। जब हमने अरेंज किया असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर, उससे पहले एक चीज के बाद में हमने डिस्कस किया कि आपके पास डेटा इवन डेटा है,
सही है, या फिर ऑड डेटा है। सही है, तो हमने डिस्कस किया था कि इवन डेटा के अंदर आपके पास जो फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए हमने ऑब्वियसली बनाया वो एक्स बार इज इक्वल्स टू, एक मिनट रुके, बेंच चेंज कर लेते हैं। हाँ, तो एक्स बार इज इक्वल्स टू 1/2 एन बाय टू प्लस एन प्लस 2/2 ऑफ टी ऑफ एच एंड टी ऑफ एच एंड द होल थिंग डिवाइडेड बाय टू। सही है, मिड पॉइंट ले लिया हमने इस तरीके से। अगर आपके पास डेटा ऑड है तो सहूलत है थोड़ी, दैट इज एन प्लस 1 बाय 2 ऑफ टी ऑफ एच, इसकी सॉरी जरूरत नहीं है। सही है, एन प्लस 1 बाय 2, एन प्लस 1 आपके पास डिवाइड बाय 2 ऑफ टी ऑफ एच आ जाएगा। नाउ द लास्ट थिंग बट नॉट लीस्ट, दिस इज एक्चुअली नोन एज द मोड, एंड वी नो दैट फॉर द मोड मोस्ट अपेयर वैल्यू इन दी डेटा इज कॉल्ड मोड। सही है, मीन मीडियन मोड, दिस इज फॉर द सेंट्रल टेंडेंसी। नाउ नेक्स्ट थिंग मैं आपके साथ थोड़ा शेयर कराता हूँ, नेक्स्ट थिंग जो है वो ये, लेट सपोज हमारे पास प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको डिस्कस करते हैं इसी टॉपिक से रेवेलेंट। नाउ अगर मैं आपसे कहूं आप फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग सेट, करेक्ट द आंसर अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। तो मीन ऑफ द डाटा कैलकुलेट करना है, बहुत आसान है, ये आपका असाइनमेंट नंबर 1 होगा। ये मैं आपको सेकंड लेक्चर के बाद आप लोगों को अपलोड कर दूंगा। आप उसमें एक्चुअली कैलकुलेट करना है मीन, ये अनग्रुप डाटा है हमारे पास, यकीन है अनग्रुप डाटा है, तो बहुत आसान है मीन निकालना, समीशन ऑफ द ऑल द वैल्यूज डिवाइड बाई 2। सिमिलरली आप इसमें भी यही काम करोगे, सही है, सारी वैल्यूज में यही काम करोगे, इसमें भी यही करोगे और इसमें भी यही करोगे, कोई मुश्किल काम नहीं है। अच्छा जी, नाउ ये चीज आप कर लोगे मेरे हिसाब से, कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है। अच्छा, ग्रुप डाटा है, ग्रुप डाटा की अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, तो उस पर फिर डिटेल में बात करेंगे ग्रुप डाटा के ऊपर कैसे काम करना है। सही है, तो ये वाले क्वेश्चन जो हैं यकीनन अगर आप करोगे तो आप इस तरह से इसको कैलकुलेट कर लोगे, इतना इशू नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल में। तो हम वाइंड अप करते हैं आज के लेक्चर को। सही है, तो हमने डिस्कस किया एक्चुअली आपके पास मीन मीडियन।